तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बातचीत करने जा रहे हैं हम डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे, यानी डेट एंड टाइम फॉर्मूला। तो कैटेगरी में हमने दो कैटेगरी कर लिया, हमने इफ कैटेगरी कर लिया, लॉजिकल कैटेगरी, और दूसरा हमने कर लिया टेक्स्ट की कैटेगरी। तो तीसरे कैटेगरी जिस पे हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम की। सबसे पहले चलिए डेट एंड टाइम के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेट को एक्सेल में हम टाइप कैसे करेंगे। देखिए डेट के दो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, MMDDYY या DDMMYY। मतलब लिखते समय अगर आप अभी से सिस्टम डेट क्या है, मेरा मेरा है MMDDYY, मतलब मंथ डेट देन ईयर। तो टाइप जैसे आज का डेट मुझे अगर टाइप करना है तो सबसे पहले लिखूंगा मंथ स्लैश डेट। आज 22 है कि 20 है? 22 है आज, तो 22 हमने डाला और एंटर प्रेस किया। तो हमने ईयर यहां पे नहीं डाला क्योंकि करेंट ईयर का डेट था। तो करेंट ईयर का डेट में अगर ईयर नहीं डालते हो तो ऑटोमेटिकली करेंट ईयर ले लेता है, जैसे 2020 ले लिया। अगर प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर है तो आपको स्लैश इसमें डेट डालना पड़ेगा, समझे। तो अगर आपका MMDDY नहीं है, DDMMYY है, तो फिर आपको डेट और फिर यहां पे ये डालना पड़ेगा। देखिए इसमें छोटी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जैसे कि मैं यहां पे डेट लिखता हूं। सिप्टेन जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? सर बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं सर। कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको। सर थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप यहाँ बात कर रहे हैं कि डेट जो होता है MMDDY होता है। अगर DDMMY हुआ, मतलब कि मैंने डेट यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे 12 अक्टूबर, तो यहाँ 12 अक्टूबर दिख रहा है क्योंकि मेरा MMDDYY है। लेकिन जैसे आपके सिस्टम पे जाएगा, अगर आपका सिस्टम DDMMYY हुआ, मतलब कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, तो इसका जो मंथ है वो डेट बन जाएगा, जो डेट है वो मंथ बन जाएगा, यानी स्वैप हो जाएगा और डेट हो जाएगा 10 दिसंबर। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो इससे बचने के लिए आप डेट को डेट फॉर्मूले में डाल के भेजिए। अगर कहीं भेज रहे हैं, अब आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही है उसके पास डेट का फॉर्मेट अलग है, तो आप इसको इस तरह से डेट की डेट फॉर्मूले में डाल दें इस तरह से। तो अब क्या होगा कि किसी भी सिस्टम पे डाया जाएगा तो वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेगा। ठीक है सुधांशु जी, सिप्टेन जी, समझ में आया आप लोगों को एक कंसेप्ट? जी ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, देखिए मान लीजिए मुझे अगर मैनुअल लिखना तो दिक्कत हो जाएगा। डेट डला हुआ है, बहुत सारा डेट डला हुआ है, फिर इसको डेट फॉर्मेट में डालना है हमें, तो मैनुअल लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईयर का, जो कि इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा। दूसरा फॉर्मूला होता है मंथ का, इसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा। तीसरा फॉर्मूला होता है डे का, जो कि इसमें से डे को अलग करता है। और वापस डेट का फॉर्मूला होता है जो कि इसको कंबाइन करता है, ईयर मंथ एंड डे। अब चलिए डेट की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सिस्टम डेट आपको पता करना है तो टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो सिस्टम डेट आता है। अगर आप नाउ का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो डेट एंड टाइम आता है। तो फिलहाल हम नाउ हटा देते हैं, हम डेट पे चलते हैं। तो मुझे इसमें से मान लीजिए मुझे इसमें 20 दिन जोड़ने हैं, 20 डेज ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट जो डेट है उस डेट में प्लस 20 कर दीजिए, 20 दिन ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे इस डेट में 3 महीने जोड़ने हैं, तो ऐसा नहीं कि 30 × 3 करके फिर ऐड कर दे, नहीं। तो 3 महीने बराबर बात करते ई डेट का फॉर्मूला,
ई डेट हमने इसको सिलेक्ट किया और 3 को सिलेक्ट कर लिया तो डेट ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। अभी जब आपने ऐड किया तो वो दूसरे फॉर्मेट में थी डेट, वो नंबर में आ गया था, जनरल फॉर्मेट में आ गया था। अच्छा, उसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा ना अपने कस्टम फॉर्मेट में, ठीक है। सॉरी सर, सॉरी, म्यूट हो गया था गलती से। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ई डेट फॉर्मूला किसी भी डेट में मंथ ऐड करेंगे तो इसमें क्या होता है, डेट फिक्स होता है, 22 जो है 22 राजस्व मंथ में वो चेंज होता है। लेकिन अगर आप इसी में माइनस करना चाहते हो तो -3 कर दे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो अगर आपको माइनस करना है तो मंथ को माइनस में रख दें, प्लस करना है तो मंथ को प्लस में रख दे, ओके। लेकिन मुझे डेट में 2 साल 5 महीने और 22 दिन जोड़ने, मतलब किसी डेट में हमें 2 साल 5 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं तो इसमें क्या करेंगे। तो इस केस में हम यहां इस फंक्शन को जो ऊपर है इसको ही करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते। तो हम करेंगे डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से ईयर को अलग करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट, ईयर, और इसमें +2 कर देते हैं। फिर अगेन हम मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं और हम इसमें से मंथ को चेक करते हैं, इसमें 5 महीना, और फिर वापस डे का फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें से डे को चेक करते हैं और +22 कर देते हैं, ठीक है। तो ईयर, मंथ और डे हमने इसको अलग किया और उसमें हमने जो ऐड करना है वो ऐड कर दिया, रिजल्ट आपके सामने। और खाली ईयर बढ़ाना होता तो खाली ईयर तक, डेट और ईयर तक रखते हैं हम। जी हाँ, अगर ईयर बढ़ाना है तो ई डेट का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 24 कर दीजिए। मान लीजिए 2 साल ऐड करना है तो ई डेट का फॉर्मूला हम लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, 2 × 12, ठीक है। तो ईयर और मंथ के लिए तो है, लेकिन तीनों बढ़ाना हो तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो डेट को ऐड करना सीख गए, किसी डेट में कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऐड करना आ गया आप लोगों को, लेकिन अगर दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना हो तो, जैसे 1 जनवरी और आज का डेट हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इसके बीच में इसमें क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है डेज का, डेज इसको सिलेक्ट किया कॉमा इसको सिलेक्ट किया, रिजल्ट आ गया, सॉरी गलत कर दिया हमने, डेज का फॉर्मूला है लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट, लेकिन इसकी जनरली हम लोग माइनस भी कर देते हैं कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, ओल्ड डेट तो भी आ जाता है तो आपका आ गया। और डेज 360 से क्या होता है सर? हाँ, एक फॉर्मूला है डेज 360। तो अभी क्या है कि साल को 365 दिन लेके चलता है, लेकिन को बहुत सारे जगहों में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 360 दिन का होता है, 5 दिन और लेजर मेंटेनेंस और बाकी चीजों के लिए काट लेते हैं, क्योंकि 5 दिन कंपनी पहले बंद रहती थी, अब तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया इसलिए हिसाब किताब 1-2 दिन में हो जाता है, ऑडिट वगैरह जल्दी हो जाता है, लेकिन पहले ऑडिट वगैरह में दिक्कत होती थी तो 5 दिन पूरा शटडाउन लगते थे और पूरी अपनी ऑडिट करते थे, ऐसा मैंने अपने बीकॉम में पढ़ा था। तो 360 दिन लेते हुए वो डेज माइनस करके दिखाता है, समझे सर? समझे। तो
से. समझ में आएगा आपको? हाँ जी सर. लेकिन इसी में मान लीजिए डेज में ही मुझे माइनस करने हैं जिसमें सैटरडे एंड संडे को स्किप करना है, तो नेटवर्क डेज फॉर्मूला होता है. नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट एंड होलीडे, मतलब सैटरडे एंड संडे के अलावा कोई लिस्ट है आपका, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी जो गेस्टेड हॉलीडेज होते हैं, नेशनल हॉलीडे होते हैं, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 अगस्त का डेट डालता हूँ, तो एक कम नहीं, 15 अगस्त ऑलरेडी सैटरडे था, सैटरडे था. मैं एक काम करता हूँ, आज का डाल दो, आज का डाल देता हूँ. कम गया सर? लेकिन बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होता है, या सिर्फ अपना इंडिया में बहुत सारे संडे छुट्टी होता है, तो उसके लिए networkdays.intl कॉमा और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको. और फिर आपको यहाँ बताना होता है कि होलीडे कौन सा है, मैं कौन सा छुट्टी है आपका. तो हमने बोला कि संडे ओनली एंड कॉमा. आ गया? ओके. समझ गया? नेटवर्क डे जो INTL, और इसमें एक चीज और भी है, संडे के अलावा आप यहाँ पे अपने होलीडे लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. बात समझे सर? समझ गया सर. लेकिन अब मुझे ये हो गई दो बीच में, लेकिन मुझे अगर मान लीजिए कि आज मैंने किसी बैंक में कोई रिक्वेस्ट दिया, बैंक ने बोला कि 5 वर्किंग डे बाद आपका हो जाएगा या 10 वर्किंग डे बाद हो जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है कंपनी, तो 10 दिन बाद कौन सा डेट आएगा सैटरडे संडे को काउंट ना करते हुए, तो उसके लिए होता है वर्क डे, सॉरी नेटवर्क डे हो गया, सिर्फ वर्क डे होता है. वर्क डे स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज एंड अपने होलीडे. अब होलीडे में समझे सर? तो इन दोनों के बीच में जरूरी नहीं है कि इसी पीरियड के हो, वो आगे के भी हो सकते हैं. मान लो दिसंबर का नवंबर का भी हुआ तो वो अपने आप को ठीक है. ठीक हो गया, डेट हैश होता है. हाँ, इसका सर कोई शॉर्टकट चाहिए है क्या? कंट्रोल शिफ्ट हैश. कंट्रोल शिफ्ट हैश. अच्छा. उसी में अगर मान लीजिए कि सैटरडे संडे नहीं सिर्फ संडे बंद होता है, तो workday.intl इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना डे 11 है, आप नंबर दे सकते हैं. उसके बाद होलीडे सैटरडे संडे और भी जो भी है उसके अलावा यहाँ पे डाल सकते हैं. ये आपका डेट आ गया. कंट्रोल सी फैच कीजिए, चेंज हो जाएगा. ओके. लेकिन मुझे दो डेट का बीच का डिफरेंस चाहिए, वो भी मंथ में. क्या करेंगे? मतलब कि एक एक से लेके और आज के डेट में कितने महीने हुए हैं ये पता करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और फिर इसको डिवाइड बाई 30 कर देंगे. ये तो अंदाजा हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं कहा जाएगा. ई मंथ में आपको डिफरेंस नहीं निकालता है, डेट निकालता है. ये डिफरेंस निकालना है तो मंथ से होगा सर? नहीं, एक होता है डेट डी आई एफ,
डेट डीआईएस ये लिस्ट में नहीं आता है, ये एडिन फॉर्मूला है। सेलेक्ट किया कॉमा स्टार्ट डेट और मुझे मंथ में चाहिए तो हमने एम कर दिया, मंथ हो गया। मुझे डे में चाहिए, डे कीजिएगा डे हो जाएगा। लेकिन इसमें भी इसका भी यूज हम लोग करते हैं किसी का एज निकालने के लिए। चले सुधांशु जी अपना एज डेट ऑफ बर्थ बताइए। शर्माए नहीं सर, बैच में कोई लड़की नहीं है। मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। 1984 नहीं, एग्जैक्ट डेट बताइए ना। 19 June 1984। अच्छा जून 6/1984। और आज का डेट है, ये रहा आज का डेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका एज निकालना है, वो भी एग्जैक्ट ईयर मंथ और डे, कितना दिन कितने साल कितने महीने और कितने दिन। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डेट डी आई एफ डिफरेंस। हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने वाई कर दिया। इससे क्या हो गया, ये हमारा ईयर निकल गया। फिर हम यहाँ पे डेट डी आई एफ लिखे, तो इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसको सेलेक्ट किया और इसमें हमने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मंथ मंथ। लेकिन मुझे मंथ चाहिए किसका, 36 के बाद का। अगर ऐसा कर दिया तो पूरा एज इन द मंथ आ जाएगा, मुझे 36 के बाद का चाहिए। तो यहाँ पे वाई लगाइए, तो वाई को इग्नोर करके एन देगा आपको 4 महीने। ठीक है, डेट डी आई एफ, फिर हमने स्टार्ट डेट एंड डेट और यहां पे हमने क्या किया एम डी, माने कि मंथ के बाद डेट निकला। तो आपका एज आज के डेट में हो गया 36 साल 4 महीने 3 दिन। वाला को सर मिठाई खा लीजिए मेरे तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है, तो एग्जैक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। महीने वगैरह निकालना हो, डे वगैरह निकालना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साल निकालना हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों निकालना हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डेट डी आई एस है। तो अभी आपने सीखा किसी पर्टिकुलर डेट में कैसे हम ऐड करते, किसी पीरियड को ऐड करते हैं। बिटवीन टू डेट्स में हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों समझ गए डेट की। हाँ जी सर। अब डेट के छोटे मोटे फॉर्मूले उसको देखते हैं। जैसे कि अगर एक मैं ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूं अपना डेट, इसी महीने का डेट लिख देता हूं और मुझे इसका वीक चाहिए, मुझे इसका वीक चाहिए। तो इसके लिए दो है, एक तो है कि टेक्स्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ डी डी डी, तीन बार डी डी कीजिए तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन मुझे इन द नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास वीक डे नाम का फॉर्मूला है, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड कॉमा। अब यहाँ पे आपको देना होता है कि कब आपका वीक स्टार्ट होता है। जैसे कि इंडिया में वीक स्टार्ट होता है मंडे से, आप गल्फ में चले जाइए वीक स्टार्ट होता है संडे से, वहां पर फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है। तो वो चीज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो मंडे हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये आपको नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है वीक नम, ये बताता है कि साल का कैलेंडर का कौन सा वीक चल रहा है, महीने का नहीं कैलेंडर का बताता है। अब डिफरेंस में ही एक हमने एक चीज यहां पे छोड़ दिया, एक होता ईयर फ्रीक्वेंसी।
जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, आपने एक वर्क काम स्टार्ट किया, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख रुपए आपको मिलना, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको यहां पे आज के दिन ही आपने काम खत्म, मैं काम छोड़ दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, तो आपको पैसा तो एक साल का मिलना था ना सर, तो 5 लाख रुपए एक साल का है, तो कितना परसेंट आप बिल करेंगे, तो इस साल का कितना परसेंट खत्म हो चुका है वो आपको बताता है ईयर फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, एंटर मारिए, ये आपको बताता है कि 80.8% जो है वीक खत्म हो गया है। तो आप क्या करेंगे, 80 का 5 लाख का है, 80.83% निकाल के बिल कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू डेज में बताता है कितना परसेंट हो चुका है। समझ आ गया सर आपको? उसी तरह से अगर किसी ने डेट को, जो डेट है हमारा, उस डेट को सिंगल कोड में रख रखा है, जैसे कि यहाँ पे 10th Jan 2020, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो डेट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, उससे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट वैल्यू सिग्नल कोड लगाइए, यहां पे अगर मैं लिख दिया Jan 2020, अब इसमें मैं डेट वैल्यू लगाता हूं, तो 1 जनवरी का डेट दे देगा आपको, ठीक है। हालांकि ये जो चीज हमने की थी इसको हम वैल्यू फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वैल्यू फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको वैल्यू फॉर्मूले से शायद आप नहीं कर पाएंगे, नहीं, वैल्यू फॉर्मूले से भी हो जाता है सर। ओके, हेलो, हाँ जी, सुनाया आपको सर? तो डेट फॉर्मूला इसका यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको डेट फॉर्मूला पे कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो कैसे लेंगे? तो जैसे कि हमने बताया था कि किसी और का नोट्स लिखने से अच्छा है कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का ही हेल्प दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का साइट खुल रहा है, मैं तो बता देता हूँ आपको, और इसको नीचे ड्रैग करते हैं, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए फंक्शन बाय अल्फाबेट है, ये आपका फंक्शन बाय कैटेगरी है, कैटेगरी फंक्शन सही रहता है, ठीक है। ये लिंक, इसमें हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की, ये आपके सारे फंक्शन का लिस्ट आपको दिख रहा है, और कौन सा फंक्शन किस में एग्जिस्ट करता है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि सारे फंक्शन है, ये आपका डेज फंक्शन 2003 से आया है, ISO वीक नेम 2003 से आया है, नेटवर्क डेज डॉट INTL जो है 2010 से आया है, ठीक है सर। और इसकी विथ डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में अगर आप इसमें इसका हेल्प देखना चाहे तो आप इसका हेल्प भी दे सकते हैं। ईयर फ्रीक्वेंसीज की बात करें, क्लिक करते हैं, इसका हेल्प आ जाता है, एकदम नोट सही है सर। अभी सर से क्या चाहिए सर आपको? क्या फिर भी हम आपको एक बुक रेफर करेंगे, एक बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं तो जीमेल खोलता हूँ, एक बुक आप उसको चाहो तो शॉर्ट कॉपी खरीद सकते हो, ये हार्ड कॉपी खरीद सकते हो, मैं आपको शॉर्ट कॉपी दे रहा हूँ। तो सर ये फंक्शन और फार्मूला की है? जी हाँ, जी हाँ,
ये आपका तेरा दो बुक एरे का है, एक फॉर्मूला का है, ठीक है, दो बुक है, ये दोनों हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एक कंट्रोल शिफ्ट एंटर है पहला, और दूसरा ये है। ये एरे फॉर्मूला का बुक अभी रहने दीजिएगा, एक बुक पढ़िएगा, ठीक है, इसमें फॉर्मूले के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। और सारे फॉर्मूले इसमें इफ फंक्शन के और डेट के सब मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी और का, लेकिन जब भी मैं अपने लर्निंग टाइम में था तो इसको मैंने काफी स्टडी किया था, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है सर। इसका 2019 तक का बुक आया हुआ है, आप चाहो तो आप हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं। इंडिया में 500-600 रुपये का आता है, फ्लिपकार्ट में 500-700 रुपये का आता है, अब वहां पे कितना का आता होगा आइडिया नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। ये अच्छा, ये जो है जनरल वाकन रीच ने इसको लिखा हुआ है, और काफी ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मैंने इसको बहुत पढ़ाई किया है। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने अपने डेट की कैलकुलेशंस में एक फॉर्मूला शायद हमने नहीं किया, वो किया ईओ मंथ। अब मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला है, तो हमें टुडे का फॉर्मूला है, तो मुझे इस महीने का इस टुडे फॉर्मूले से स्टार्ट डेट और एंड डेट पता चल जाए, स्टार्ट एंड एंड। कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं बताता हूं, ईओ मंथ का एक फॉर्मूला है, ये इसमें लगाता है, एंड के लिए ये होता है ईओ मंथ, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ द मंथ। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हमने जीरो डाल दिया, तो क्या होगा कि इस महीने का आखिरी डेट दिखा देगा, चाहे वो 31 हो, चाहे 30 हो, या 28 हो, या 29 हो, जो भी डेट होगा वो डेट आपको यहां शो कर देगा। लेकिन मुझे इसमें जो जीरो दिया है ये क्या है, अगर मैं यहां पे वन करूं तो ये अगले महीने का दिखाएगा, टू करूं तो उसके अगले महीने का, थ्री करूं तो उसके अगले महीने का, ठीक है। लेकिन इसी में माइनस कर दूं तो प्रीवियस मंथ का दिखाता है। तो मैं यहाँ स्टार्ट में ईओ मंथ लगाया, इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा हमने माइनस वन कर दिया। माइनस वन करने से क्या हो गया कि आपके सामने लास्ट महीने की लास्ट डेट आ गई, बट हमें तो इस महीने सर, एक क्वेश्चन है। क्या बोलने सर, ये एक मिनट, मिस जो आप स्टार्ट बता रहे हैं इसमें ये स्टार्ट किएगा तो ये तो एंड आया है, तो प्लस ये बताइए ना कि हम प्लस वन कर देंगे ना, प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट प्लस वन, इट मींस इस मंथ का फर्स्ट डेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी एक रिपोर्ट आती है जिसमें मतलब अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो प्रीवियस मंथ होते हैं, और राइट साइड के कॉलम्स पे देखेंगे तो करंट मंथ डेट वाइज होता है, तो एक MTD कैलकुलेशन करनी होती है मुझे, आप समझ रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे 1st October लिखा है ना, उसके बगल में मंथ टू टिल डेट है ना, हाँ, तो जैसे यहाँ पे 1st October है, उसके बगल में 2nd इस तरह 31st October तक होता है। अब इसके बगल में एक मेरे को MTD का सम करना रहता है,
तो वो होता क्या है, हर महीने मुझे मैनुअल जाके वो रेंज को मॉडिफाई करना पड़ता है कि किस रेंज से 1 अक्टूबर आया, 31 कब आया, फिर नवंबर में फिर करूंगा। तो आप क्या समिफ लगा दीजिए ना। तो नहीं समिफ एमटीडी में सर कैसे लगेगा समिफ, बाकी तो मैंने मंथ में समिफ लगा दिया एमटीडी में। बताता हूँ जैसे डेट डाला हुआ राइट, मैं अक्टूबर का डेट डाल देता हूँ। डेट कैसे होता होगा, तो होगा ना सर? हाँ जी, नीचे इस तरह कॉलम्स में है, कॉलम्स में है। हाँ तो रोन कॉलम्स, एक कॉलम कर देते हैं, रोन कॉलम से कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने प्रीवियस मंथ्स के में तो सम इफ लगा दिया मैंने, उसमें डेट रेंज देखे, एमटीडी का नहीं समझ में आ रहा था। अब जैसे कि आप बोलते हैं कि मंथ टिल डेट, आपका यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लग गया, टुडे का फॉर्मूला बता दिया आज की डेट, स्टार्ट डेट के लिए हमने यहाँ पे वो मंथ ले लिया, इसको किया माइनस वन प्लस वन कर दिया तो आ गया स्टार्ट डेट। हाँ जी, सम इफ नहीं, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने सम रेंज को, हमने बोला कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू और एन, हमने पहले वाले डेट को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने दूसरा क्राइटेरिया नहीं, ये तो वो उसमें कंडीशन, वो तो सम रेंज सही गई है आपकी। चलिए दूसरी क्राइटेरिया रेंज में हम वापस इसी को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं इज लेस देन इक्वल टू एंड, और आपने ले लिया अपना टुडे का रेट। एक मिनट सर, ये एक बार फिर से फॉर्मूला F2 करेंगे सर। इसमें सम इफ में सबसे पहले तो हमने रेंज दे दी 2:2:2 की हमें सेल्स का करना है, उसके बाद सर 1:1 क्या है, क्राइटेरिया रेंज। अच्छा, यहां से अपने को डेट लेनी है और डेट की हमने क्राइटेरिया डाली है कि इक्वल टू ग्रेटर देन B5 ओके और लेस देन C5। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ जब जब मुझे अपडेट करना होगा ये 22 वाली डेट अपने आप उस फॉर्मूले से अपडेट होती जाएगी टुडेज डेट से। जी हाँ ठीक, ये मैं एक दो सेल में ये डेट लगा के फिर समय लगा देता हूँ। सेल में लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको जैसे कि इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और इसी पे प्लेस होगा और यहाँ जहाँ B5 है ना यहाँ पे लगा दो, ब्रैकेट में फॉर्मूला को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर वापस इसको कॉपी कीजिए टुडे को, जहां जहां C5 है C5 यहाँ है पेस्ट कर दीजिए, और एक यहाँ है C5 पेस्ट कर दीजिए। सही को ये शीट मेल कर दीजिएगा। वो होता क्या है ना, मंथ एंड में जब रिपोर्टिंग जाती है ना तो रेंज थोड़ी 19-20 हो जाती है और पूरी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाती है तो बड़ा एरर आ जाते हैं फिर। तो आज तो मैंने आपके साथ जो है कैलकुलेशन किया है डेट का, डेट की कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। कल हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशंस और साथ में हम आपको एक कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि क्वेश्चन आपके टेक्स्ट और डेट एंड टाइम से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो कि सॉल्व करके आपको देना है। ठीक है, तो कल हम टाइम की कैलकुलेशन को जानेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो ये एक्सेल भेज दीजिएगा। एक्सेल अभी भेज देता हूँ सर, बाद में पता नहीं भूल। जिस पे आपने ये मेरा एमटीडी वाला किया तो वो वाली भी प्लीज।
इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन। कैप्टन जी कोई डाउट वगैरह है? नहीं सर नहीं। चलिए बात है, प्रैक्टिस करते रहिए और कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके सर।